हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से। कौन सा पाठ? पाठ दो, जिसका नाम है बच्चों, इसका नाम है सोने की भूख। बच्चों, ये एक बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कथा है। आशा है आप भी इससे कुछ सीखते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि यह सोना है। तो बताइए, इससे क्या क्या बनाया जा सकता है? बच्चों, सोना जो गोल्ड होता है, इससे तो हम बहुत सारा कुछ बना सकते हैं। आभूषण बनते हैं, सबसे ज़्यादा तो सोने से आभूषण बनते हैं। सोने की गिन्नियाँ भी होती हैं, सोने के बिस्किट भी होते हैं, बहुत कुछ बन सकता है। तो चलिए पाठ प्रवेश करते हैं। पाठ प्रवेश, लालच भले ही एक छोटी सी भावना हो। समझिए, लालच भले ही एक छोटी सी भावना हो, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा होता है, जो मनुष्य को उसकी आत्मिक और सामाजिक मूल्यों से दूर कर देता है। लालच की भूख से भरा मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इसका ज्ञान इस रोचक कहानी द्वारा लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊं। ये मुझे एक राजा लग रहे हैं, राजा है, और ये तो कोई देवदूत की तरह लग रहा है, और ये कितना सारा सोना बिखरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप में यूनान नाम का एक देश है। वहाँ पुराने समय में मिदास नाम का राजा राज्य करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री के अतिरिक्त उसे संसार में दूसरी कोई वस्तु प्यारी थी तो बस वो क्या था, सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, राजन, तुम बहुत धनी हो। देवदूत ने क्या कहा राजा से? राजन, तुम तो बहुत धनी हो। राजा ने उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो ये बहुत कम सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं हुआ, फिर और कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ, यानी कि जिसको टच करूँ, जिसको छूँ, वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा को नींद नहीं आई। वह बड़े सवेरे यह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा तो वो सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने की बन गई। राजा प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियां, गमले छुए और वह सब किसके हो गए? वह सब सोने के हो गए। सब चमाचम चमकने लगे। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा, मतलब कि उसके पास बहुत सारा सोना हो गया। दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था, उसे भूख भी लगी थी। बगीचे से उसने राजमहल लौटकर वह सोने की एक कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन क्या हुआ? लेकिन जैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोना बन गया। क्यों बन गया? उसने देवदूत से वरदान मांगा था ना कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं, स्पर्श करूं, वह सोने का हो जाए। तो खाना और पानी भी बच्चों सोने का हो गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो पानी भी सोने का हो गया। राजा के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे हुए थे। सारा खाना सोने का हो गया था और वह भूखा था, प्यासा था। सोना खाकर उसकी भूख थोड़ा ना मिटती, भूख तो खाने से मिटती है, लेकिन अब तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ सोने का हो चुका था। अब तो मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलती हुई आ गई। अपने पिता को रोते देखकर वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। राजा ने अपनी पुत्री को छाती से लगा लिया, लेकिन अब वह उसकी पुत्री कहाँ थी? मिदास की गोद में तो उसकी पुत्री की इतनी भारी मूर्ति थी कि वह उसे गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास क्या करने लगा? सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई।
फिर वह प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवदूत ने पूछा, मिदास अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, बताओ तो एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना, एक टुकड़ा रोटी भली या सोना। मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं जान गया हूँ कि सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़ा रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा, मतलब मैं सोने का लालच नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, अब इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री, मेज, कुर्सी, भोजन, पानी तथा बगीचे के सब पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ जो थे, सभी पदार्थ जैसे पहले थे, वो वैसे ही हो गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कथा? रोचक लगी, और आशा है इसके साथ आपने कुछ सीखा भी होगा। क्या सीखा होगा? कि हमें अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। ठीक, और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्द, महाद्वीप, भांति, स्वप्न, प्यासा, अशर्फियाँ, आंसू, संतोष, वरदान, स्पर्श, मूल्यवान, प्रसन्नता एवं अतिरिक्त। और शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, अशर्फी का अर्थ है सोने का सिक्का, संतोष का अर्थ है तसल्ली, चित्त की वह वृत्ति जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा में सुख का अनुभव करता है। स्पर्श का अर्थ है छूना, देवदूत मतलब देवताओं का दूत, मूर्ति का अर्थ है प्रतिमा या आकृति के समान बनाई गई वस्तु। और अब हम चल रहे हैं, हमसे पूछा है सबसे पहले प्रश्न, राजा का क्या नाम था? राजा का नाम क्या था? राजा का नाम मिदास था। राजा को क्या प्यारा था? राजा को सोना, उसको सोना बहुत प्यारा था। वो सोने के लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लालच था उसको सोने का, उसे बहुत प्यारा था। पाठ से मिली सीख विद्यार्थी अपने शब्दों में बताओ। हमें पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच जो होता है, लालच का जो फल होता है वो बहुत बुरा होता है। जैसे कि इस कहानी में हमने देखा, राजा मिदास के पास इतना सोना था, लेकिन उसके बावजूद उसको सोने का लालच उसे नहीं ख़त्म होता था। उसने फिर से वरदान मांगा कि मुझे और सोना चाहिए, मैं जिसको छूँ वो सोने का हो जाए, लेकिन उसका हर्ष क्या निकला, सारी चीज़ें सोने की हो गई और एक रोटी तक नहीं खा पाया। और उसने देवदूत से फिर से प्रार्थना करके बोला कि मुझे आप फिर से पहले जैसा बना दो, मुझे इतना लालच नहीं करना है। तो इसलिए हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, जितना हो हमें उतने में ही संतोष करना चाहिए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। यूरोप महाद्वीप में देश है कौन सा? यूनान, मिदास, यूरोप या रूस? यूरोप महाद्वीप में देश है यूनान, हमने यूनान पे चिन्ह लगा दिया। हमने राजा के पास आया सिपाही, नौकर, देवदूत या यमराज? राजा के पास आया देवदूत। राजा को संतोष नहीं था, बहुत सा सोना होने पर, चांदी होने पर, संपत्ति होने पर या प्रजा होने पर? राजा को संतोष नहीं था, बहुत सारा सोना होने पर, इतना सोना होने के बावजूद भी उसको संतोष नहीं था, उसको था कि मेरे पास और सोना हो जाए। राजा को अपनी पुत्री के अतिरिक्त प्यार था चांदी से, सोने से, प्रजा से या भोजन से? राजा को अपनी पुत्री के अतिरिक्त प्यार था सोने से, उसको पुत्री के अलावा सोने से प्यार था बस। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। राजा बहुत बड़ा लालची था, तो हम क्या, राजा मिदास बड़ा ही लालची था। मिदास कौन था? मिदास राजा का नाम था। कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। ठीक, राजा के मारे उछलने और नाचने लगा खुशी के मारे। उछलने और नाचने लगा, खाकर राजा की भूख नहीं मिट सकती थी। क्या खाकर? सोना। आप अपना क्या वापस लौटा दीजिए? आप अपना वरदान।
जो देवदूत ने दिया था। आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें सोने की हो रही थी, कुछ खा पी नहीं पा रहा था, तो उसने बोला आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। किसने कहा? किससे कहा? राजन तुम तो बहुत धनी हो, ये किसने कहा? ये कहा था देवदूत ने। किससे कहा था? राजा से कहा था। अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वो सोने की हो जाएगी। ये किसने कहा था? ये भी देवदूत ने कहा था। और किससे कहा था? राजा से। आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए, ये किसने कहा था? ये कहा था राजा ने। और किससे कहा था? देवदूत से। इसे सब पर छिड़क दो, ये किसने कहा था? ये भी देवदूत ने कहा था। और किससे कहा था? राजा से। अभी हमने कहा किसने कहा, किससे कहा, और अब है हमारे सामने सही या गलत के चिन्ह लगाने हैं। सबसे पहले राजा मिदास बहुत लालची था। जी हाँ, राजा मिदास लालची था, हमने सही का निशान लगाया। राजा बहुत धनी था। जी हाँ, राजा बहुत धनी था। देवदूत ने राजा को और सोना दिया। जी हाँ, देवदूत ने राजा को वरदान दिया था, सोना नहीं दिया था। देवदूत ने राजा को और देवदूत ने राजा को और सोना नहीं दिया था, देवदूत ने राजा को तो वरदान दिया था। तो ये गलत है। राजा की पुत्री सोने की मूर्ति बन गई। जी हाँ, राजा ने जैसे अपनी पुत्री को छुआ वह सोने की बन गई, सही है। राजा को अपने लालच के कारण पछताना पड़ा। जी हाँ, राजा को अपने लालच के कारण पछताना पड़ा, यह भी सही है। और अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। यूनान के राजा की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? यूनान के राजा की सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं और बहुत और अधिक धनवान बन जाऊं, मुझे और सोना मिल जाए, ये उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। मिदास की इच्छा को पूरा किसने किया? मिदास की इच्छा को पूरा एक देवदूत ने किया था। उन्होंने वरदान दिया था तो उनकी इच्छा को पूरा एक देवदूत ने किया था। राजा ने देवदूत से क्या मांगा? राजा ने देवदूत से मांगा कि मैं जिसको भी स्पर्श करूं वह सोने का हो जाए। देवदूत से वरदान प्राप्त करने के पास के बाद मिदास को किस प्रकार की हानि हुई? वरदान प्राप्त करने के बाद राजा ने हर चीज़ को छुआ, हर वो चीज़ सोने की होती चली गई, यहाँ तक कि उसने अपनी पुत्री को जब छुआ तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई, यानी कि उसकी पुत्री भी जो थी वो भी सोने की हो गई। और जब उन्हें भूख लगी, उन्होंने खाना खाने के लिए आगे को और बढ़ाया, तो वह भी सब सोने के हो गए थे। वे ना कुछ खा पा रहे थे, ना पानी पी पा रहे थे, और अपनी पुत्री को भी नहीं छू पा रहे थे, वो भी जो थी वो भी सोने की हो गई थी। तो इस प्रकार की उन्हें हानि हुई। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा लालच के आगे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें जितना है हमें उतने में ही संतोष करना चाहिए, नहीं तो लालच से हमें बहुत सारी हानि भी हो सकती है, जैसे कि राजा मिदास को हुई थी। तो हमें यह इससे शिक्षा मिलती है। और इसके साथ ये रोचक कथा समाप्त हुई। आशा है आपने इससे कुछ शिक्षा जरूर अवश्य ग्रहण की होगी। तो अब हम नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आभार।